क्या नाम हुआ बाबू आपका? कितना दिन से ये पेंसिल बेचती हैं? एक साल से। और बिजनेस किया। और कौन से क्लास में पढ़ती हैं? क्या, आठवां क्लास में पढ़ती हैं? और सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में। कौन से सरकारी स्कूल में? अच्छा, माता पिता क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स रिक्शा चलाते थे, अभी नहीं चला रहे। अभी नहीं चला रहे? अभी नहीं कर रही। तो घर का खर्चा कैसे चलता होगा? पेंसिल बेचते हैं। और देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, इसके बारे में इन्होंने मुझे बताया। इन्होंने पेंसिल लिया और इसका पैसा भी दे दिया और बोला कि तुम पेंसिल भी रख लो और पैसा भी रख लो। ये बोली कि आपने खरीदा है तो आपको पेंसिल लेना पड़ेगा। ये है बिहार के गरीबों का ईमानदारी। सच में बिहार के गरीब जो है ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं और नेता पूरा लूटने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए बिहार बर्बाद हो रहा है। अब तुम्हारे पास कितना पेंसिल है टोटल? और ये कितने का है? दोस्त का भी। ये कितने का है? ये 10 पीस है। हाँ, ये किलो सबसे बड़ा बात है कि ये भीख नहीं मांग रही है। और भीख नहीं मांग भीख नहीं मांग रही है और पेंसिल से बड़ा ये बात है, मेहनत कर रही है और पेंसिल बेच के जो है ना, और ये कमा के जो है घर भी चलाती है और पढ़ाई भी करती है। और देखिए, ये भी बोल रही है कि मेरा भी ले लीजिए और मेरे दोस्त का भी ले लीजिए। तुम्हारा क्या नाम है? कौन से क्लास में पढ़ती हो? कौन से क्लास में? फाइव में। और तुम एट में? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? और तुम्हारा नाम? दोनों का नाम खुशी है। तुम्हारा कितना पेंसिल है? हकेंदु? हाँ, ठीक है। 20 पीस नहीं है तुम्हारा? एक में 10 था, एक में 16 था, 26 पीस। कितना हुआ 30 पीस का पैसा? 30 पीस का 300। और तुम्हारा? 260। चलिए, किधर है हमारे बैंक मैनेजर साहब? किधर है? हाँ, अरे क्या है भैया, ये डांस करती है, डांस भी करती है, डांस की कलाकार है वो। गिरिया समाज बहुत आगे बढ़ेगा भैया। क्या? बहुत आगे बढ़ेगा। तुम भी बहुत आगे बढ़ोगे। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। इसका 300 हुआ। तुम्हारा? 250 दीजिए। 260। तुम्हारा 300। तो ये 100 रुपए दीजिए। खत्म हो गया। देखिए, 900 रुपए है। पर्स तो हम रखते नहीं है कभी भी, इसलिए पर्स नहीं रखते हैं कि साथ में। और देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं, और खुल के दिखा रहा हूँ, मेरे औकात है दिखाने का, मैं दिखा के मदद कर रहा हूँ। अगर आपका औकात है गुप्त दान करने का तो गुप्त दान कीजिए, सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हें मैं 500 रुपया दे रहा हूँ, ये रख लो। तुम्हें मैं 400 रुपया दे रहा हूँ, इतना ही पैसा था पर्स में। नहीं, ये करने नहीं भैया, इसका कम था तो इसको 400 दीजिए और इसका ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। तुम 400 रखो और तुम 500 रुपया रखो। आठवां क्लास में ये पढ़ती है, इसका कितना महंगा आता होगा। और तुम्हारे स्कूल में मैं आऊंगा, तुम्हारे पास मोबाइल नंबर है तो कैसे आऊंगा तुम्हारे स्कूल में? ये बाकीपुर है ना, इसका पता ले लीजिए और इसके स्कूल में चलेंगे। और तुम्हारे स्कूल में जब मैं चलूंगा ना, मैं स्कूल में तुमको देख लूंगा पढ़ते हुए, तो तुम्हारे एक साल का जितना भी किताब का खर्च है और तुम्हारे ड्रेस का खर्च है, वो सारा मैं तुमको दूंगा, सारा का सारा दूंगा। सपोर्ट करना बहुत जरूरी। और देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, इन्होंने मुझे बताया। और मैं एक और चीज मैं बोल देना चाहता हूँ, मैं महीना में एक एक बच्चा का दुख दर्द दूर कर सकता हूँ, मेरा उतना ही औकात है भाई। मैं बिहार का टाटा बिरला अंबानी अडानी थोड़ी हूँ, तो मैं जितना का कर रहा हूँ उतना का कर रहा हूँ और दिखा के कर रहा हूँ। अगर मेरे दिखाने से आपको दर्द होगा तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। मैं इस बच्ची का इलाज मतलब व्यवस्था कर रहा हूँ, और पिछले महीने भी किया था, उसके पिछले महीने भी किया था, और हर महीना करते रहेंगे। ऐसे सब कोई करे तो हमको लगता है कि ऐसे ऐसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। चलिए, ठीक है बाबू, ठीक है। गुजर कर इसका नंबर उम्र जा रही है, फिर मिलेंगे।